हे गाइस, सो प्रो कबड्डी सीजन 9 पे यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको प्रो कबड्डी के टॉप 10 अपडेट्स बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 69 सीनियर नेशनल के स्क्वाड पे यहाँ पे अपडेट आया है, ऑक्शन पे भी अपडेट आया है प्रो कबड्डी का, और रिटेंशन पे भी यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले अपडेट की आ रहे हैं बात करें तो वो यहाँ पे आ रहा है बंगाल वॉरियर्स के असिस्टेंट कोच के ऊपर। कल या परसों बंगाल ने अपना हेड कोच अनाउंस किया था, जो कि यहाँ पे काशीनाथ भास्करन रहने वाले। कल यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स ने अपने असिस्टेंट कोच का नाम अनाउंस कर दिया है, जो कि प्रशांत सर्वे रहने वाले। प्रशांत सर्वे सर यहाँ पे असिस्टेंट कोच रहने वाले हैं बंगाल वॉरियर्स के लिए प्रो कबड्डी सीजन 9 के लिए। बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे बड़े अपडेट का, वो यहाँ पे आ रहा है यू मुंबा ने अपने नए हेड कोच का यहाँ पे नाम अनाउंस करने से पहले कुछ हिंट्स दे दिया है। यू मुंबा भी बहुत जल्द अनाउंसमेंट करने वाली है। यहाँ पे यू मुंबा ने कल लिखा है कि व्हेन विल यू मुंबा अनाउंस देयर हेड कोच, और यहाँ पे मतलब एक मीम टाइप का यहाँ पे लिखा है, कोई लिखा है पक गया हूँ मैं, तो मतलब इसका साफ नजर आ रहा है कि सारे टीम सब एक्टिव हो चुके हैं सोशल मीडिया में, और बहुत जल्दी यू मुंबा अपने हेड कोच का नाम अनाउंस कर देगी। तीसरा बड़ा अपडेट आ रहा है कि बंगाल वॉरियर्स के रिटेन प्लेयर्स के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि बंगाल वॉरियर्स के रिटेन प्लेयर्स में मैंने कुछ पता किया है। कल आप सबको मालूम है कि यहाँ पे सुनील तनेजा सर का लाइव हुआ था काशीनाथ भास्करन सर के साथ इंस्टाग्राम में, जहाँ पे काशीनाथ भास्करन सर ने ये कहा कि सीजन 1 में जो चैंपियन मतलब जयपुर जब चैंपियन बनी तो वो उस टीम के असिस्टेंट को, और बाद में सुनील तनेजा ने उस इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा। सुनील तनेजा सर ने ये सवाल पूछा भास्करन सर को कि प्रो कबड्डी सीजन 9 के लिए आपने कौन कौन से प्लेयर को रिटेन करने का सोचा है, क्या क्या फाइनलाइज किया है। जब यहाँ पे सुनील तनेजा सर ने यहाँ पे भास्करन सर को पूछा कि क्या मनिंदर सिंह और रण सिंह रिटेन होंगे, क्योंकि मनिंदर सिंह और रण सिंह पहले भी भास्करन सर के अंडर जयपुर में खेल चुके हैं, जयपुर को खिताब जीता चुके हैं। जब ये सवाल पूछा गया तो भास्करन सर ने कहा जी बिल्कुल, यहाँ पे बातें चल रही है, मनिंदर और रण सिंह यहाँ पे रिटेन होते हुए दिख सकते हैं बंगाल वॉरियर्स के लिए, जो कि सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। तो मनिंदर और रण सिंह को हमें रिटेन होते हुए दिख सकते हैं बंगाल वॉरियर्स के लिए। चौथा बड़े अपडेट आ रहा है प्रो कबड्डी सीजन 9 रिटेंशन के ऊपर। वही इंटरव्यू जब हुआ था सुनील तनेजा और भास्करन सर का, तो वहाँ पे जब यहाँ पे पूछा गया था सुनील तनेजा सर द्वारा कि रिटेंशन का यहाँ पे कब तक सबमिट करना है, कि कौन कौन से प्लेयर रिटेन होंगे मसाज स्पोर्ट्स को, तो यहाँ पे भास्करन सर ने ये कहा है कि मतलब 20 तारीख तक हमें डेट दिया गया है, 20 जुलाई तक सारे प्लेयर जो कि रिटेन होने वाले हैं वो सारे प्लेयर्स यहाँ पे हर एक फ्रेंचाइजी को यहाँ पे मसाज स्पोर्ट्स को देना पड़ेगा। मतलब आप मान सकते हैं 5 दिन में सारे प्लेयर्स यहाँ पे चले जाएंगे मसाज स्पोर्ट्स के सामने कि कौन कौन से प्लेयर रिटेन होंगे, और 2-3 दिन बाद हमें ऑफिशियल पता चल जाएगा। पांचवा बड़ा अपडेट आ रहा है प्रो कबड्डी सीजन 9 स्टार्टिंग डेट पे। तो यहाँ पे बहुत सारे टीमों ने यहाँ पे अपने सोशल मीडिया में एक्टिव हो चुकी है। मैंने परसों का वीडियो में कहा था पुनेरी पटन ने ट्वीट किया था, और यहाँ पे पटना पायरेट्स ने भी ट्वीट कर दिया है कि व्हेन वी सेंड यू दिस नो डेट वी आर ऑल पम्प्ड फॉर सीजन 9। इसका साफ मतलब ये है कि प्रो कबड्डी सीजन 9 बहुत ज़्यादा जल्द स्टार्ट होने वाला है। अक्टूबर से दिसंबर वाला विंडो ही मेरे हिसाब से प्रो कबड्डी के लिए रहने वाला है। अब बढ़ते गाइज अपने अगले अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट आ रहा है यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 9 ऑक्शन पे। जी हाँ दोस्तों, प्रो कबड्डी सीजन 9 ऑक्शन पे भी अपडेट आ रहा है। तो यहाँ पे खबर ये कि अगस्त में यहाँ पे ऑक्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा था कि स्पोर्ट्स क्रीड़ा के आर्टिकल में 29 जुलाई बताया गया है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 20 तारीख तक यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है रिटेन प्लेयर्स का, तो ऑक्शन को भी हम 4-5 दिन बाद मान सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्शन हमें अगस्त के पहले हफ्ते में देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस यहाँ पे हाई नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे 12 तारीख लास्ट डेट था कौन कौन से प्लेयर रिटेन होने का वो नाम सबमिट करने के लिए, लेकिन वो डेट अब एक्सटेंड हो चुका है, और 20 तारीख यहाँ पे फाइनल डेट है रिटेन प्लेयर्स के नाम सबमिट करने के लिए। तो ऑक्शन भी यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में देखने को हमें मिल सकता है। अब बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट आ रहा है यहाँ पे कैटेगरी ए कैटेगरी बी एंड सी प्लेयर्स के बारे में। मैंने अपना आज एक वीडियो बनाया था रिकैटेगराइज प्लेयर्स का, अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको आई बटन प्रेस कर लो और वो वीडियो को पहले देख लो। तो मैं आपको सबसे पहले समराइज कर देता हूँ कैटेगरी ए प्लेयर्स के बारे में, खाली हम बात करेंगे ऑक्शन से पहले। कैटेगरी ए में यहाँ पे संदीप नरवाल, परवेश भैसवाल, रोहित गुलिया, मंजीत दाहिया, सुरजीत सिंह, सागर राठी, नितेश कुमार, सुमित सांगवान, फजलत राचली, अभिषेक सिंह, वी अजीत कुमार, सौरभ नांदल। पहले कैटेगरी ए का जो मैंने आपको बताया, इसमें से आप पहले 12 प्लेयर्स का नाम देख लो। बड़े बड़े प्लेयर्स परवेश भैसवाल, संदीप नरवाल देखने को मिल जाएंगे, सुरजीत सागर देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते अगले मतलब कैटेगरी ए के और प्लेयर्स के बारे में। तो यहाँ पे नवीन कुमार, प्रदीप नरवाल, पवन शेरावत, सचिन तंवर, दीपक निवास हुड्डा, विकास खंडोला, मोहम्मद रेजा, सादलू चियाने, और उसके बाद आपको यहाँ पे सुरेंद्र गिल देखने को मिल जाएंगे, विजय मलिक, मनिंदर
जितेंद्र सिंह, मोहम्मद नबी बख्श और यहाँ पे आपको अर्जुन देसवाल देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे प्लेयर्स को यहाँ पे कैटेगरी ए में रखा गया है ऑन द बेस्ट ऑफ प्रो कबड्डी सीजन 8 परफॉर्मेंस। अर्जुन देसवाल है, मनिंदर को रखा गया, नबी बख्श भी है, विजय मलिक कितना अच्छा खेले, चियाने को हम सब नहीं भूल सकते कितना अच्छा डिफेंस किया है, नवीन प्रदीप पवन तो हमेशा की तरह इस बार भी टॉप में है, सचिन और दीपक और विकास भी कैटेगरी ए में है। अगला अपडेट आ रहा है यहाँ पे इंडियन रेलवेज के ऊपर। तो इंडियन रेलवेज ने अपना 69 सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के लिए अपना स्क्वाड का नाम यहाँ पे घोषित कर दिया। तो सारे प्लेयर्स आप देख सकते हैं इंडियन रेलवेज के लिए देखने को मिलेंगे, पवन कुमार सहरावत, विकास खंडोला, सुनील कुमार, परवेश भैंसवाल, रविंदर पहल, उसके बाद आपको नितिन रावल देखने को मिल जाएंगे, रोहित गुलिया, उसके बाद आपको रवि कुमार, पंकज मोहिते, नितेश कुमार, मोहित सहरावत और नवीन बिलजड, ये सारे प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इंडियन रेलवेज की टीम में। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ टीम के स्क्वाड के बारे में। छत्तीसगढ़ की टीम का भी यहाँ पे 69 सीनियर नेशनल के लिए स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं शुभम, संस्कार, सोमू, दुर्गेश, उमेश, रेहन, वीरेंद्र, दुर्गेश, एम गोपी, सुरेंद्र, शुभम और राजेंद्र, ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ टीम के स्क्वाड रहने वाले हैं 69th सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के लिए। अब बात करते हैं आज के फाइनल 10वें अपडेट के बारे में, जो कि बहुत बड़ा अपडेट आया है, वो यहाँ पे अजय ठाकुर। अजय ठाकुर ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है। हम सब जानते हैं कि सीनियर नेशनल्स में इस बार अजय ठाकुर का भी नाम है हिमाचल प्रदेश में, और अजय ठाकुर ने यहाँ पे कुछ आरोप लगाए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा बात किया है। तो उनका ये मानना है कि बहुत सारे प्लेयर्स का जो हिमाचल प्रदेश की टीम में चयन हुआ है वहाँ पे मतलब कुछ पैसा खिला के हुआ है, मतलब हम सब जानते हैं दलाल वलाल जो रहते हैं उससे यहाँ पे पैसा खिला के यहाँ पे प्लेयर्स का सिलेक्शन करा गया है। उनका ये मानना है कि बहुत सारे प्लेयर्स मतलब उतना अच्छे फॉर्म में मतलब अच्छे नहीं खेलते तब भी यहाँ पे पैसे खिला के उन्हें मौका दिया गया, जो कि बहुत ही गलत है प्रो कबड्डी के मतलब ये कबड्डी के खिलाफ बहुत ही गलत हो रहा है। कबड्डी खेल को आज मतलब पैसे से मतलब खरीदा जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही खराब बात है। और मैं बिल्कुल अजय ठाकुर के स्टेटमेंट के साथ हूँ, मैं मतलब कोई बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहूँगा, अजय ठाकुर सर ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने फेडरेशन ऑफ कबड्डी पे भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा मतलब आरोप लगाया, और बिल्कुल ये आरोप सही भी है क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बिल्कुल सही बात है। और अजय ठाकुर सर ने बिल्कुल सही कहा है कि कबड्डी को यहाँ पे खरीदा जा रहा है, जो खेल यहाँ पे इतने सालों से हो रहा है, इतने सीनियर प्लेयर्स राकेश कुमार, मंजीत चिलर, अनूप कुमार, नवनीत गौतम, चिल्लाथन, इतने सारे प्लेयर्स बने, लेकिन अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जो मतलब ऐसा हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश कुछ प्लेयर्स हैं मतलब उनको यहाँ पे पैसा खिलाया जा रहा है, मतलब उनको पैसा देना पड़ रहा है और ताकि वो स्क्वाड में आ जाए। तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत बात है, अजय ठाकुर सर ने बिल्कुल सही कहा है। तो मैंने आपको टॉप 10 अपडेट्स बताया प्रो कबड्डी पे, सीनियर नेशनल पे, ऑक्शन डेट्स के बारे में बात किया, मैंने रिटेंशन के बारे में बताया और बंगाल वॉरियर्स के रिटेन प्लेयर्स के नाम भी बताया, जो कि मनिंदर सिंह और रण सिंह शायद रिटेन होने वाले, जो कि जैसे के भास्करन सर ने कहा है। चलिए इस वीडियो को मैं यही पेन करते, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा।